फ्यूजन के मेरे सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको हिंदी के मशहूर शायर डॉक्टर कुंवर बेचैन के कुछ शेर सुनाए थे। समय की कमी के कारण मैं पूरे शेर कंप्लीट नहीं कर पाया था और मैंने वादा किया था कि अगले प्रोग्राम में आपको बचे हुए शेर जो मैंने सोचे हुए हैं वो सुनाऊंगा। तो मैं अपने वादे के अनुसार आज हाजिर हूँ आपको फिर कुंवर बेचैन साहब के शेर सुनाने के लिए। तो वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने पीछे छोड़ दिया था। तो पहला शेर अर्ज है, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, खुशबुए देती रही नन्ही कली मीलों तक, माँ के आंचल से जो लिपटी तो घुमड़ कर बरसी, मेरी पलकों में जो पीर पड़ी थी एक मीलों तक। मैं हुआ चुप तो कोई और उधर बोल पड़ा, बात ये है कि तेरी बात चली मीलों तक, हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, मन में घुलती रही मिस्री की डली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। आप लोग प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। बहुत बढ़िया चल रहा है मैडम, बहुत बढ़िया। और ये कुंवर बेचैन की ये थोड़ा सा पीछे इंट्रोडक्शन भी बता देंगे आपको, बहुत बढ़िया सुनाया था लास्ट टाइम। अगला शेर सुनिए, उम्र भर कुछ इस तरह हम जागते सोते रहे, भीड़ में हंसते रहे तन्हाई में रोते रहे, और रोशनी को कहां थी फुर्सत जो वो ये सोचती, कैसे कैसे उसकी खातिर हम हवन होते रहे, धूप की फसलें उगेंगी ये हमें मालूम था, धूप की फसलें उगेंगी ये हमें मालूम था, फिर भी हम सबके दिलों में चांदनी बोते रहे। और ये खालिस हिंदुस्तानी लहजा देखिए गजल का, कुंवर साहब का जो स्पेशल स्टाइल है, करो हमको न शर्मिंदा बड़ो कहीं आगे बाबा, हमारे पास आंसू के सिवा कुछ भी नहीं बाबा, कटोरा ही नहीं है हाथ में बस फर्क इतना है, तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ इतना ही फर्क है, कटोरा ही नहीं है हाथ में बस फर्क इतना, बैठे हुए हो जहां तुम खड़े हम भी वहीं बाबा। क्या बात, थैंक यू। तुम्हारी तरह हम भी, तुम्हारी ही तरह हम भी रहे हैं आज तक प्यासे, न जाने दूध की नदियां किधर होकर बही बाबा। मुझे दुष्यंत कुमार साहब का एक शेर याद आता है, यहां तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा, तुम्हारी ही तरह हम भी रहे हैं आज तक प्यासे, न जाने दूध की नदियां किधर होकर बही बाबा, सफाई थी सच्चाई थी पसीने की कमाई थी, हमारे पास ऐसी ही कोई कमियां रही होगी बाबा, इतनी ही कमियां थी हमारे में, सफाई थी सच्चाई थी पसीने की कमाई थी, हमारे पास ऐसी ही कई कमियां रही बाबा, हमारी आबरू का है सवाल अब सबसे मत कहना, हमारी आबरू का है सवाल अब सबसे मत कहना, वो बातें जो हमने खुलकर कही बाबा। क्या बात, थैंक यू। करो हमको न शर्मिंदा बड़ो कहीं आगे बाबा, हमारे पास आंसू के सिवा कुछ भी नहीं बाबा, प्यासे होठों से जब कोई झील न बोली बाबूजी, हमने अपने ही आंख से आंख भिगोली बाबूजी, भूले से जाने अनजाने वार न करना तुम उन पर, भूले से जाने अनजाने वार न कर
ना तुम उन पर जिन जिन के कंधे पर है ये प्रीत की डोरी बाबूजी। वाह थैंक यू थैंक यू। नए दौर के नए ख्वाब हैं मुझे, नई हसरतों के गुलाब हैं, ये मोहब्बतों के चिराग हैं, इन्हें नफरतों की हवा न दो। ये हर दौर का शायर यही दुआ करता है कि मोहब्बत जिंदा रहे, मोहब्बत करने वाले जिंदा रहे। मिर्जा फाजिल भी कहते हैं, गुजरो जब बाग से दुआ मांगते चलो, गुजरो जब बाग से दुआ मांगते चलो, जिस जिसमें खिले हैं फूल वह डाली हरी रहे। भूले से जाने अनजाने वार न करना तुम उन पर, जिन जिन के कंधों पर है यह प्रीत की डोली बाबूजी। दिन निकले ही मेहनत के घर, हाथ जो हमने भेजे थे वही वही खाली लेकर लौटे शाम की झोली बाबूजी। कुछ मिला नहीं, चंद सिक्के हैं मेरे हाथ में छालों की तरह। हम पर कितने जुल्म हुए हैं कौन बताए दुनिया को, हम पर जितने जुल्म हुए हैं कौन बताए दुनिया को, बंदूकों में क्या बाकी है एक भी गोली बाबूजी। क्या वो भी अपनी आंखों में नाखून ही लेकर बैठे थे, दिखने में जिनकी सूरत थी बहुत ही भोली बाबूजी। वाह। उसमें कुछ टूटे सपने थे, कुछ आहें कुछ आंसू थे, जब जब भी हमने अपनी जेब टटोली बाबूजी। कुछ मिला ही नहीं। एक और गजल जो डॉक्टर कुंवर बेचैन की जो जिंदा रहने का हौसला देती है आज के मुश्किल दौर में भी, जो हमेशा आगे बढ़ने की सीख देती है, वो सुनिए। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। वाह बहुत बड़े। कौन सुनाएगा अब ये गजलें, डॉक्टर कुंवर बेचैन नहीं रहे हमारे बीच। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पर ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पर ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। बहुत अच्छा थैंक यू। आपको ऊंचे जो उठना है तो आंसू की तरह, ये मंत्र देखिए बुलंदियों को छूने का, आगे बढ़ने का, जिंदगी में कुछ बड़ा कर दिखाने का, और बड़े तजुर्बे से लिखा है डॉक्टर कुंवर ने। आपको ऊंचे जो उठना है तो आंसू की तरह, दिल से आंखों की तरह के उछलते रहिए, शाम को गिरता है तो सुबह संभल जाता है, शाम को गिरता है तो सुबह संभल जाता है, आप सूरज की तरह गिरकर संभलते रहिए। थैंक यू। और प्यार से अच्छा नहीं है सांचा कोई भी कुंवर, और प्यार से अच्छा नहीं है सांचा कोई भी कुंवर, मोम बने इसी सांचे में पिघलते रहिए। और आखिरी शेर डॉक्टर कुंवर बेचैन का, उंगलियां थाम के खुद चलना सिखाया था जिसे, उंगलियां थाम के खुद चलना सिखाया था जिसे, राह में छोड़ गया राह पे लाया था जिसे, उसने पोचे ही नहीं अश्क मेरी आंखों से, अश्क यानी आंसू, उसने पोचे ही नहीं अश्क मेरी आंखों से, मैंने खुद रोके बहुत देर हंसाया था जिसे। वाह थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे राकेश जी, वेरी गुड। थैंक यू राजेश। आई थिंक विमल जी इसके ऊपर कमेंट देंगे सबसे पहले। राकेश जी मत कहो आकाश पे कोहरा घना है, मत कहो आकाश पे कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अरे वाह। इस
इस मौसम में भी कुंवर बेचैन ने, इस हालात में भी आपने ऐसी उनकी कविताएं चुनी कि हमारे को हौसला देती है, जीने की तमन्ना देती है, हमें आशा का संचार करती है। ये जो आपने उनकी रचनाएं चुनी मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत खूबी से निभाया उसको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विमल जी। आई थिंक वी कैन आस्क फ्रॉम अदर पोएट्स। पहले मेरे ख्याल से क्रिस, क्रिस बहुत अच्छे कुंवर बेचैन साहब और बहुत सारे ऐसे शायर जो दिल से लिखते हैं, वो इस तरह दिल को छू जाते हैं कि कभी जाते नहीं दिल से। तो आपका चॉइस बहुत सही था। टॉपिक खुशी है, फिर भी अभी हालात ऐसे नहीं हैं, फिर भी खुश रहने की कोशिश तो करते रहनी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मेड मी वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू क्रिस। बहुत अच्छे राकेश जी, बहुत अच्छा था। इट वाज लाइक फॉर मी इट वाज लाइक अ बकेट फुल ऑफ डायमंड्स टुगेदर। सो आई थिंक टाइम्स तो वैसे नहीं है, बट खुशी तो ढूंढने के लिए लाइक यू नो देयर इज नो अप्रोप्रिएट टाइम, वी ऑलवेज हैव टू फाइंड होप। उम्मीद तो ढूंढनी पड़ती है, खुद ही को ढूंढनी पड़ती है। सो या बहुत बहुत अच्छा कलेक्शन था, सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। मेघना, लाइक एवरीवन सेड टाइम तो वैसा नहीं है, बट आई थिंक इट्स मच नीडेड ये टाइम में, वेर यू आर रिमाइंडेड ऑफ दीज थिंग्स कि देयर इज होप, एंड उसी को सामने रख के हमें हर दिन यू नो गुजारना है, दैट देयर इज होप एवरी सिंगल डे। And I think these are the testing times जहाँ पे hope पे focus करना बहुत मुश्किल हो जाता है, and it was a very good reminder for me. So thank you. Thank you, Vikram. So Akash, हाँ जी, you yourself are a lyricist. Have you heard of this poetry before? No, मेरे को बहुत अच्छा लगा लेकिन सुनके, first time सुन रहा हूँ, लेकिन I think I'll have to dig deeper and find more. I really love it. आपके पहले भी फोन कॉल्स पे मतलब उन्होंने सुनाई शायरी, तो मैं जाके सुनना चाहूंगा। हाँ जी, ये पिछले प्रोग्राम में मैंने कुछ शेर सुनाए थे, अभी इस प्रोग्राम में सुनाए।